is NCERT activity 4.12. This is our activity 4.12. Requirement: hard water, test tubes, soap solution, dropper and detergent solution. Procedure. स्टेप वन, सबसे पहले हमें दो टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं और उन दोनों टेस्ट ट्यूब में 10 ml हार्ड वाटर लेना है। स्टेप टू, अब हमें दोनों टेस्ट ट्यूब को, एक को टेस्ट ट्यूब ए एंड सेकंड वाले को टेस्ट ट्यूब बी मार्क करना है और टेस्ट ट्यूब ए में हमें कुछ ड्रॉप सॉप सॉल्यूशन के डालने हैं तो वही टेस्ट ट्यूब बी में हमें कुछ ड्रॉप डिटर्जेंट के डालने हैं। स्टेप थ्री, अब हमें टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी दोनों के माउथ को या तो कॉर्क से या फिर थंब की हेल्प से क्लोज कर देना है। उसके बाद दोनों टेस्ट ट्यूब को सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए विग्रसली शेक करना है। ऑब्जर्वेशन, सॉल्यूशन जो था हमारा टेस्ट ट्यूब ए में जिसमें हार्ड वाटर एंड सॉप का सॉल्यूशन था उसमें हम देखेंगे कि कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, तो वही जो सॉल्यूशन हार्ड वाटर और डिटर्जेंट का था टेस्ट ट्यूब बी में उसमें हम देखेंगे कि फॉर्म होगा, फॉर्म यानी झाग फॉर्म होगा। इस एक्टिविटी में हमें दो क्वेश्चंस गिवन है। पहला क्वेश्चन है, डू बोथ टेस्ट ट्यूब्स हैव द सेम अमाउंट ऑफ फॉर्म, क्या दोनों टेस्ट ट्यूब में सेम अमाउंट में फॉर्म हो रहे थे। तो हमने देखा कि जो टेस्ट ट्यूब बी था जिसमें कि हमने डिटर्जेंट ऐड किया था हार्ड वाटर में उसी में सिर्फ फॉर्म हो रहा था, झाग फॉर्म हो रहा था। एंड सेकंड क्वेश्चन इज, इन विच टेस्ट ट्यूब अ कर्डी सॉलिड फॉर्म, तो आंसर इज टेस्ट ट्यूब ए जिसमें कि हार्ड वाटर के साथ सॉप को मिक्स किया था हमने उसमें कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। Hope so you like this video. If you have any queries, you can ask in comment box.